डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अब इन्होंने कहा कि ऊपरी व्यास, अब देखो इन्होंने हमें कोण जो दिया है, सवाल दिया है, उसमें व्यास यानी आधार की त्रिज्या या वह वो ऊपर में है, यानी कुछ कोण उल्टा है। अब ये देखो सॉफ्टी कोण बन रहा है अपना, तो सॉफ्टी कोण जैसा हमारा एक कोई गड्ढा है जिसका व्यास, व्यास क्या हो गया, दो डबल त्रिज्या, और ये दे रखा है हमें 3.5 मीटर, और कहता है गहराई इसकी 12 मीटर, यानी ये हमारी ऊंचाई होगी। तो कहता है कि धारिता जो है वो किलो लीटरों में कितनी है, किलो लीटर का मतलब है 1000 लीटर, 1000 लीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जब भी आपको धारिता की बात करे इसका मतलब हमें आयतन निकालना है। तो हम कहेंगे आयतन, गड्ढे का आयतन कितना होगा, तो हम कहेंगे 1/3 × π × r² × h। तो हमने कहा 1/3 × π की वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे 22/7 r². अब देखो 3.5 मीटर इसका व्यास है, तो व्यास अगर 3.5 मीटर है तो त्रिज्या क्या होती, तो मैं कहूंगा 3.5/2। अब देखो 3.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 35/20, दशमलव हटाया नीचे जीरो किया, ये हो गया 7/4, तो त्रिज्या होगी हमारी 7/4। त्रिज्या को फिर गुणा किया और हाइट कितनी है, गहराई 12 मीटर। तो देखो अब हम यहाँ काटना शुरू करते हैं, 4 × 3 = 12, 7 से 7 कटा, और ये 11 और ये 2, तो यानी 77/2 m³ आया है। अभी हमें कहता है कि धारिता कितनी होगी, और वो किसने पूछा है, किलो लीटर में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लीटर निकालेंगे, तो हमने कहा 77/2 × 1000, तो ये हो गई 77,000/2 यानी 38,500 लीटर। अभी 38,500 लीटर जो है इसका मतलब कितना हुआ, 38,500 लीटर में 1000 का भाग दे दो, ये हो गया 38.5 किलो लीटर। अब देखो अगर आपने आंसर किलो लीटर में नहीं निकला, ध्यान नहीं दिया कि सवाल में क्या पूछा गया है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। सब मेहनत की परंतु हमसे पूछा किलो लीटर है, तो हमें किलो लीटर में निकालना पड़ेगा। हम इसको आसान भी कर सकते थे, पर मैंने आपको समझाने के हिसाब से पूरा तरीके से समझाया, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।